भाई मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन द चैनल Realme Buds Air 2 वर्सेस OnePlus Buds Z वर्सेस Noise Buds Play। भाई अगर हम एक एक को कंपेयर करने जाते थे ना तो दो वीडियो या तीन वीडियो अलग अलग बन जाती थी और ज़्यादा टाइम लग जाता था, इसलिए हमने सोचा भाई एक साथ तीनों का कंपैरिजन किया जाए, आपको एक ही वीडियो में समझ आ जाएगा कि आपको क्या लेना है। तो भाई मेरा नाम है कैफ, आप देख रहे हैं Noise Tech। चलिए आज कंपेयर किया जाए इन तीनों ईयरफोन्स को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। अगर आप Realme का केस देखोगे तो ये पूरा ग्लॉसी देखने को मिल जाता है, ये वाइट है, यहाँ पे आपको Realme का ब्रांडिंग मिलेगा, कोई बटन नहीं मिलेगा, नीचे टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है और LEDs देखने को मिलती है। उसी जगह अगर मैं Noise की बात करूँ तो ये पूरा मैट फिनिश केस है, काफ़ी लाइट वेट भी है, Noise का ब्रांडिंग है, पीछे एक रीसेट बटन है, नीचे टाइप सी पोर्ट है। और OnePlus की अगर मैं बात करूँ तो ये भी पूरा ग्लॉसी देखने को मिलता है, ऊपर आपको ब्रांडिंग मिलती है, LED मिलती है, पीछे रीसेट बटन और टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। तीनों की अगर मैं बात करूँ तो मुझे सबसे हल्का केस Noise का लगा, और हाँ Noise में आपको LED मिलती है बट वो अंदर देखने को मिलती है, बाहर नहीं मिलती है। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस अगर दिखने में मैं बात करूँ Noise है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैट फिनिश है, मुझे मैट फिनिश प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगे, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस थोड़ा सा Noise की तरफ जाता है डिज़ाइन में। अब आते हैं बर्ड्स के डिज़ाइन पे, स्टार्ट करते हैं Noise से। सो बर्ड्स आपको पूरे ग्लॉसी मिल जाएंगे Noise के, हाँ पूरे ग्लॉसी है, अच्छे दिखते हैं और काफ़ी लाइट वेट है, जो मैंने पहले बता दिया है। स्टेम डिज़ाइन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको Noise का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है, दो माइक्स मिल जाते हैं और एक इन ईयर सेंसर देखने को मिल जाता है। उसी जगह OnePlus की बात करते हैं, सो OnePlus में आपको पूरा फिर से ग्लॉसी डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, कोई ब्रांडिंग नहीं मिलती, यहाँ पे टच एरिया है। Noise में भी यहाँ पे स्टेम पे टच एरिया देखने को मिलता है, यहाँ पे भी टच सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, इन ईयर सेंसर और माइक्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं Realme की। अगर मैं Realme की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको Noise के जैसी स्टेम देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको टच सेंसर मिल जाते हैं, ये मैट फिनिश है। अगर आप व्हाइट कलर का Realme लोगे तो ये अंदर का पार्ट ग्लॉसी मिलेगा आपको और ये सिल्वरी मिलेगा। उसी जगह अगर आप ब्लैक लोगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक मिलेगा और ये थोड़ा सा ब्लू शेड में मिलता है स्टेम की अगर मैं बात करूँ। मुझे पर्सनली ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगा, डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगा। व्हाइट ग्लॉसी है, ये थोड़ा सा मैट फिनिश की तरफ ज़्यादा जाता है। सो पर्सनली मुझे ऐसा लगा डिज़ाइन में तीनों ही अच्छे दिखते हैं। बर्ड्स की मैं बात करूँ या केस की बात करूँ, मुझे बस केस का डिज़ाइन थोड़ा सा Noise का पसंद आया क्योंकि थोड़ा सा मैट फिनिश है। अब बात करते हैं कम्फर्ट। सो भाई इन तीनों ही प्रोडक्ट्स का कम्फर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं OnePlus से। सो OnePlus में आपको थोड़ा सा एंगल्ड मिलता है, सो ये डायरेक्ट अंदर चले जाता है, कुछ स्पिन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा अंदर जाते हैं और अच्छे से टाइट जाके बैठ जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल है। आप इजीली तीन तीन चार चार घंटे पहन के रख सकते हो, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके बाद आते हैं Noise पर। सो Noise भी मुझे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लगे, OnePlus बहुत ज़्यादा अंदर जाके टाइट हो जाता है, ये उससे थोड़े से लूज़ रहते हैं, सो अंदर जाएंगे और बैठ जाएंगे, और हाँ ऐसे नहीं ये गिरेंगे, अच्छे से बैठ जाते हो। क्योंकि ये हल्के है तो मुझे कान में इनका कंफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आता है, और आप इन ईयरफोन्स को भी इजीली तीन तीन चार चार पाँच पाँच घंटे पहन के रख सकते हो, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब फाइनली आते हैं Realme पर। सो Realme का भी कम्फर्ट मुझे बहुत पसंद है, OnePlus थोड़ा ज़्यादा टाइट है, उससे थोड़ा सा हल्के या थोड़ा सा कम प्रेशर क्रिएट करते हैं Noise, और उससे हल्का प्रेशर क्रिएट करते हैं Realme, मतलब इन दोनों से थोड़े से मुझे लूज लगे, हल्का सा एयर गैप लगा बेसिकली। कंफर्ट इनका भी बहुत अच्छा है, हल्के है, क्योंकि आप इजीली चार चार पाँच पाँच घंटे तक इन्हें पहन के रख सकते हो, आपको इश्यूज बिल्कुल नहीं होने वाले। कंफर्ट के मामले में सच बताऊँ तो मुझे तीनों में प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं, तीन तीन चार चार घंटे आप आराम से पहन लोगे। बट मुझे अगर एक चूज़ करना है, मैं पर्सनली चूज़ करूँगा Noise को, क्योंकि ये थोड़े हल्के हैं, मेरे कान में बहुत ज़्यादा अच्छे से बैठ जाते हैं। मैंने एक दो लोग को दिखाया, किसी को OnePlus पसंद आया, किसी किसी को Realme पसंद आया। सो मेरे लिए और एक दो लोगों को मैंने दिखाया तो उनको Noise पसंद आया, डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है। तीनों का कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी। सो भाई इन तीनों ही प्रोडक्ट्स में आपको गूगल फास्ट पेयर देखने को मिल जाएगा, मतलब जैसे ही आपने ये डब्बी खोली ये आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएंगे, और आपको बड्स का और केस का बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। तीनों ही प्रोडक्ट्स में गूगल फास्ट पेयर है, बहुत अच्छा काम करता है। अगर मैं Noise और OnePlus की बात करूँ, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है, और अगर मैं Realme बोलूँ तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिलता है। ऑफ़ कोर्स थोड़े बहुत यहाँ पे कनेक्शंस इंप्रूव्ड है, बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं देखा मैंने। यहाँ पे ब्लूटूथ 5.2 के कारण पावर एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, तो थोड़ा सा इसकी बैटरी लाइफ इंप्रूव हुई है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सो कनेक्शंस रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे किसी से भी नहीं हुआ, ना ही कोई कनेक्शन ड्रॉप्स, ना ही कोई प्रॉब्लम किसी से भी, आप 8-10 मीटर आराम से अपने फ़ोन से दूर रह सकते हो। अब बात करते हैं मोनोपॉड फीचर। मोनोपॉड फीचर मतलब आप कोई भी ईयरफोन का एक पॉड आप यूज़ कर सकते हो, या लेफ़्ट या राइट।
लेफ्ट कान में है, राइट डब्बी के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर दूसरे बर्ड की ज़रूरत है, उसे निकाला, कान में लगाया और सिंक में आ गए। सो मोनोपॉड फीचर इन तीनों ही ईयरफोन्स में बहुत अच्छा काम कर लेता है। इन ईयर सेंसर, तीनों ही ईयरफोन्स में आपको इन ईयर सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं। कान में पहन के रखा है, आपका म्यूज़िक चल रहा है, आपको किसी से बात करना है, किसी एक को भी कान से निकाला, आपका म्यूज़िक पॉज हो गया, वापस पहना, म्यूज़िक कंटिन्यू हो गया। सो कनेक्शंस के मामले में मोनोपॉड फीचर, इन ईयर सेंसर बहुत अच्छे हैं इन तीनों ही ईयरफोन्स के, आपको किसी से भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब बात करते हैं ऐप सपोर्ट। सो भाई, ना ही वन प्लस में, ना ही नॉइज़ में आपको किसी में भी ऐप सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। हाँ, आप बोलोगे वन प्लस में तो हे मेलेडी ऐप मिलता है, बट पहली बात वो एक ऑफिशियल ऐप नहीं है, और दूसरी बात कि उसमें सिर्फ आप टच जेस्चर्स कस्टमाइज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ डबल टैप के, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करने ही वाले हैं। और रियलमी में आपको एक फुल फ्लेज्ड ऐप देखने को मिलता है जो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे ही आपने डब्बी खोली, आपका ऐप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ऐप में आपको डब्बी का बैटरी प्लस बर्ड्स का बैटरी देखने को मिल जाता है। ऑफकोर्स वो तो आप सेटिंग्स में भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉइज़ कंट्रोल फीचर्स मिलते हैं, जैसे आप इनको नॉइज़ कैंसिलेशन में डाल सकते हो, ट्रांसपेरेंसी में डाल सकते हो, जेन में डाल सकते हो ऐप के थ्रू। उसके बाद आपको गेम मोड मिल जाता है, जिसके बारे में अगेन हम आगे बात करेंगे। उसके बाद साउंड इफेक्ट्स, आपको अगर बेस बूस्ट ऑन करना है वो ऑन कर दो, आपको लाइवली रखना है, क्लियर रखना है, आप रख सकते हो। उसके बाद वॉइस एनहांसर है, इनर डिटेक्शन ऑन ऑफ रखना है, ऑटो आंसर है। फिर उसके बाद टच जेस्चर्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, मतलब आपको कौन से बर्ड पे कौन सा जेस्चर चाहिए, सारी चीज़ें कस्टमाइज यहाँ पे हो जाती है। और दोनों को होल्ड करके रखा तो वहाँ पे भी आपको एक जेस्चर देखने को मिल जाता है। सो जेस्चर्स के मामले में रियलमी बहुत है। वन प्लस में टच जेस्चर्स आपको इतने कोई खास देखने को नहीं मिलते, सिर्फ डबल टैप मिलता है, टैप एंड होल्ड मिलता है। डबल टैप को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, हे मेलेडी ऐप से बहुत लिमिटेड लगा। उसके बाद अगर मैं नॉइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे भी भरपूर टच जेस्चर्स है। सिंगल टैप से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, राइट से आप, लेफ्ट से डाउन। डबल टैप आप किसी पे भी करो, म्यूज़िक प्ले पॉज हो जाएगा। ट्रिपल टैप, और ट्रिपल टैप करोगे तो आप सीरी या गूगल असिस्टेंट इनएक्टिवेट कर लोगे। और टैप एंड होल्ड, राइट पे टैप एंड होल्ड किया फॉर 1.5 सेकंड्स नेक्स्ट सॉन्ग, लेफ्ट पे किया प्रीवियस सॉन्ग। सो भाई, टच जेस्चर्स यहाँ नॉइज़ में बहुत देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी। इन तीनों ही ईयरफोन्स का साउंड क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, मैंने वन प्लस की और नॉइस प्ले की भी काफ़ी तारीफ़ की है। मुझे दोनों का साउंड क्वालिटी बहुत पसंद आया था, और रियल मी ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छा साउंड मिलता है। तीनों में ही 10 mm के आपको बेस बूस्ट ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं। रियल मी में आपको डायमंड क्लास ड्राइवर्स मिल जाते हैं, जो बेसिकली लॉन्ग टर्म में अच्छे रहेंगे। सो साउंड क्वालिटी इन तीनों ही प्रोडक्ट्स का ऑसम है। आप लोगे किसी को भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तीनों में आपको पंची बेस, पंची ट्रेबल्स देखने को मिलते हैं। हाँ, अगर मैं तीनों में कंपेयर करूँ तो वन प्लस में तीनों में से मुझे थोड़ा सा बेस ज़्यादा मिला। जब मैं रियल मी को नॉन बेस बूस्ट मोड में सुन रहा था तो मुझे उसका बेस तीनों में सबसे कम लगा, बट जब मैं उसे बेस बूस्ट मोड ऑन करके सुन रहा था तो मुझे वो ऑलमोस्ट नॉइस प्ले के जितना बेस दे रहे थे। सो बेस एंड ट्रेबल्स मुझे इन तीनों ही प्रोडक्ट्स के पसंद आए। काफ़ी हाई वॉल्यूम जाती है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। साउंड क्वालिटी में तीनों ही प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। हाईज, मिड एंड लोज बहुत अच्छे हैं। बेस जब बढ़ता है तो वोकल्स नहीं दबते जो आपके मिड्स हैं। तीनों ही प्रोडक्ट्स की साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगी है। बट रियलमी में आपको मिलता है एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी मोड। एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन अप टू -25 decibels, जो डिसेंट काम करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। आपके बाजू में लोग बातें कर रहे हैं वो कैंसिल आउट नहीं होगा, बट ऊपर अगर फ़ैन चालू है, हल्का फुल्का दूर का ट्रैफिक का साउंड है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो इतना इशू नहीं है। सो बहुत ज़्यादा बड़ा डील ब्रेकर है मेरे हिसाब से नहीं, बट आपको अच्छा ANC टेक्नोलॉजी मिल रहा है, प्लस एक काफ़ी बजट फ्रेंडली कैटेगरी में। सो मेरे हिसाब से साउंड में मैं रियलमी को ऊपर रेट करता हूँ इन दोनों प्रोडक्ट से, क्योंकि यहाँ पे आपको उसी प्राइस में उतना ही अच्छा साउंड मिल रहा है, प्लस आपको ANC देखने को मिल जा रहा है। अब बात करते हैं माइक क्वालिटीज। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ नॉइस के बर्ड्स प्ले। मैं मेरे स्टूडियो में बैठा हूँ, मेरे पर फुल स्क्रीन में फैन भी शुरू है। आप खुद ही जज कर सकते हो कि ड्यूरिंग कॉल इंडोर में इसकी माइक क्वालिटी आपको कैसे सुनने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ रियलमी के बर्ड्स एयर 2 और मैं मेरे स्टूडियो में बैठा हूँ, मेरे पर फुल स्क्रीन में फैन भी शुरू है। आप खुद ही जज कर सकते हो कि ड्यूरिंग कॉल इंडोर में इसकी माइक क्वालिटी आपको कैसे सुनने को मिलती है। फ्रेंड्स, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वन प्लस के बर्ड्स और मैं मेरे स्टूडियो में बैठा हूँ, मेरे ऊपर फुल स्क्रीन में फैन भी शुरू है। आप खुद ही जज कर सकते हो कि इनडोर में ड्यूरिंग कॉलर्स की माइक क्वालिटी आपको कैसे सुनने को मिलती है। अगर मैं वन प्लस और नॉइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ENC देखने को मिलता है, मतलब इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन। नॉइज़ का भी इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन अप टू -25 decibels होता है, सो कॉल क्वालिटी उससे इम्प्रूव होती है। ये चीज़ मुझे वन प्लस में देखने को नहीं मिली है। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ। स्टार्ट करते हैं सबसे कम वन प्लस।
यहाँ पे आपको केस के साथ मिलती है 20 घंटे। और अगर मैं इन बर्ड्स की बात करूँ तो ये मुझे अप्रॉक्सीमेटली 4 से 4.5 घंटे के बीच में चल जाते हैं, जो डिसेंट बैटरी लाइफ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसी जगह अगर मैं नॉइस एंड रियलमी इन दोनों की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे 25-25 घंटे की बैटरी लाइफ देखने को मिली है, जो मेरे हिसाब से अच्छी है। और अगर मैं बर्ड्स की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगा दोनों में ही अप्रॉक्सीमेटली 4.5 से 5 घंटे का बैटरी लाइफ मुझे देखने को मिला है बर्ड्स में, विच इज़ वेरी गुड बैटरी लाइफ। 4.5-5 घंटे डिसेंट है। और मैंने आपको बताया था रियलमी में ब्लूटूथ 5.2 है, जिसके कारण बैटरी लाइफ थोड़ा सा इम्प्रूव भी हो जाता है। इसलिए ANC के बाद भी इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको 4-4.5 घंटे का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तीनों ही प्रोडक्ट्स में फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट कर जाता है, तो आपको इतना इशू नहीं होना चाहिए। 80-90 मिनट्स में तीनों ही प्रोडक्ट्स चार्ज हो जाएंगे। तो बैटरी लाइफ के मामले में वन प्लस थोड़ा सा पीछे है कम्पेयर टू नॉइस एंड रियलमी। अब बात करते हैं गेमिंग एंड लेटेंसी। सो इन तीनों ही प्रोडक्ट्स में आपको अच्छी कम लेटेंसी देखने को मिलती है। रियलमी में आपको एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिलता है, जो आपकी लेटेंसी अप्रॉक्सीमेटली 88 मिलीसेकंड्स कर देता है। उसी जगह मुझे नॉइज़ और वन प्लस इन दोनों की भी लेटेंसी अप्रॉक्सीमेटली 85-90 मिलीसेकंड्स के आसपास लगी। तो लेटेंसी के मामले में मुझे इन तीनों ही प्रोडक्ट्स काफ़ी सिमिलर लगे। हाँ, वन प्लस को अगर आप एक वन प्लस के फ़ोन से कनेक्ट करेंगे तो और आपको और अच्छी लेटेंसी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं IP रेटिंग। सो नॉइज़ में आपको मिलेगा IPX4, रियलमी में आपको मिलेगा IPX5 और वन प्लस में आपको मिलेगा IP55। सो डेफिनेटली हमारे पास एक विनर है वन प्लस, बट IPX4, IPX5 ये रेटिंग्स बुरी नहीं है। आप वर्कआउट्स कर सकते हो, वॉक्स पर जा सकते हो, आपको कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर स्विमिंग विमिंग करते हो, बारिश में भीगोगे, तो तीनों ही ख़राब होंगे, कोई नहीं बचेगा। सो नॉर्मल वर्कआउट्स, रनिंग, वॉकिंग, ये सब में इन तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट, आपको क्या लेना चाहिए। मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी आपका रियलमी या नॉइस प्ले ही रहने वाला है। रियलमी क्योंकि यहाँ पे आपको ANC, ट्रांसपेरेंसी मोड, ये सारे मोड्स देखने को मिलते हैं। साउंड क्वालिटी इन तीनों ही प्रोडक्ट्स का बहुत सिमिलर है। वन प्लस में थोड़ा सा ज़्यादा बेस मिलता है, बट तीनों का ही साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। बट बिकॉज इसमें ANC मिलता है इस प्राइस ब्रैकेट में, मैं इसे ऊपर रेट करता हूँ। डिज़ाइन के मामले में वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस रहेगा, कनेक्शंस में तीनों में ही कोई इश्यूज नहीं लगे हैं मुझे। मोनोपॉड फीचर, इन ईयर सेंसर तीनों में ही देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद टच जेस्चर्स, ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ मुझे लगा वन प्लस बहुत पीछे रह गया है। माइक क्वालिटी मुझे ऐसे लगा वन प्लस पीछे है, हमेशा से मुझे वन प्लस के माइक से इशू रहा है। फिर बैटरी लाइफ, अगेन तीनों में सबसे पीछे वन प्लस है। सो मुझे ऐसा लगता है टॉप पे अगर मैं रेट करूँ सो इट विल बी रियलमी, देन नॉइस बड्स प्ले एंड देन वन प्लस बड्स सी। ऑफकोर्स वन प्लस का बड्स सी बुरा प्रोडक्ट नहीं है, बट ये 4-5 महीना पुराना हो गया है और कंपटीशन है भाई इसको देख के इससे अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, इसीलिए आपके पास अब बेटर ऑप्शन है। तीनों ही ऑलमोस्ट आपको 3-3.5 हज़ार के प्राइस ब्रैकेट के आसपास देखने को मिलते हैं और तीनों ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। आप किसी को भी लोगे ना, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, तीनों बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हम 30 हज़ार के बहुत ज़्यादा पास है। बेल नोटिफिकेशन भी दबाओ ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन आते रहे। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।